Hello dear students, you are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini and today I am going to discuss another paper for NEET examination. जैसा कि अपना ये चल रहा है दोस्तों, उसमें आगे में इसको आगे बढ़ाते हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पेपर और अपलोड कर रहा हूँ, जो आपकी नीट एग्जामिनेशन आईटीजी सब केमिस्ट्री जो भी सिलेबस का अपलोड कर रहा हूँ पहले, फिर उसके बाद में आप इसको देखें। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर ये क्वेश्चन है सिंपल सा, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन लिखे गए हैं, आप इनको थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए डाले गए हैं। ठीक, क्वेश्चन फर्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए थ्री मेंबर्ड थ्री ब्रांच्ड एल्केन, यानी एल्केन में तीन ब्रांच होनी चाहिए, तो कम से कम कितने आपके पास में कार्बन होने चाहिए? तो देखो एक बार ध्यान से, ए मैं दो तो इसमें ब्रांच लगा देता हूँ और एक ब्रांच इस पर लगा देता हूँ, बोलो हो गई साहब, देखो तीन ब्रांच हो गई, तो मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? सेवन, सेकेंड आंसर। ठीक है, आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, देखो अब आप ध्यान रखना, इनमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बिल्कुल सिंपल, बोले आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसका मतलब होता है CH3 को चार बार लगा दो आप इस पे एक कार्बन पे, ऑल फोर लिख रखा है ना, ऐसे समझा करें, ऐसे स्ट्रक्चर बना लिया करो। अब रूल ये कहता है कि लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करो जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन हो, और पहले सब्स्टिट्यूएंट के नेम लिख दो, टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन, क्या नाम हो जाएगा? टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन, फर्स्ट आंसर। फिर वापस एक क्वेश्चन, आईयूपीएसी के तीन चार क्वेश्चन डालें जिससे कि आप थोड़ा तैयारी करें इनको। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका भी आप आईयूपीएसी नेम बताना है, इस क्वेश्चन को देखो, इसके अंदर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है एल्डिहाइड, फिर ये CH डबल बॉन्ड, फिर CH और क्या लगा रखा है NH2। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का सिलेक्शन करना पड़ता है प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको पता है कि एल्डिहाइड फर्स्ट पर आता है, अमीन बाद में, टू और थ्री, मिनिमम क्वेश्चन इसको दो, तो थ्री पर सब्स्टिट्यूएंट का नाम बोलो, थ्री अमीनो, थ्री अमीनो कार्बन कितने की हो गई? तीन की, उस पर सेकंड पे क्या लग रहा है प्रोप, और इसके लिए सफिक्स क्या लेंगे? एल, तो थ्री अमीनो प्रोप टू इन एल, इसका सफिक्स है एल, ध्यान रखें आप। फिर एक क्वेश्चन और है, आईयूपीएसी का ही है, इसके अंदर क्या है, इनाइन है ये, तो इसके अंदर डबल बॉन्ड भी और सिंगल ट्रिपल बॉन्ड दोनों लिए गए हैं। देखो अब कैसे आप पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे वो देखिए आप ध्यान से, ये आपके पास में सिक्स कार्बन का एक कंपाउंड है, एक दो तीन चार पांच है, एक तरफ तो ट्रिपल बॉन्ड है, एक तरफ डबल बॉन्ड है, आइडेंटिकल पोजीशन है, जब आइडेंटिकल पोजीशन हो तो लोएस्ट प्रायोरिटी या मिनिमम पोजीशन, मिनिमम पोजीशन प्रायोरिटी नहीं, मिनिमम पोजीशन डबल बॉन्ड को देनी है आपको, बिकॉज इन कम फर्स्ट देन आयन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो नंबर वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स। ठीक है, सबसे पहले आपको पेरेंट हाइड्रोकार्बन में छह कार्बन है तो लिख देंगे हेक्स, उस पर आप इन कितने पर आ रहा हुआ है, वन पर, वन पे इन, और फाइव पर क्या लगा हुआ है, आयन, लो जी, तो हेक्स वन इन फाइव आयन, ऐसा कोई नाम हो वो देखना, हेक्स वन इन फाइव आयन सेकंड। फिर एक क्वेश्चन और, ठीक है, पांच क्वेश्चन दिए इस बार आईयूपीएसी के इस पेपर में, इसमें आपको बता देता हूँ आपके पांच सात टॉपिक जो भी है ना ऑर्गेनिक, उनके सबसे केवल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का पेपर है, इसलिए सबसे पांच पांच सात सात क्वेश्चन लिए गए हैं, जैसे क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर से लिया गया है, फिर उसके बाद में जीओसी से लिए गए हैं, फिर आपके पास में हाइड्रोकार्बन से लिए गए हैं, फिर एल्डिहाइड कीटोन समझ गए, फिर एल्काइल हैलाइड अमाइंस बायोमोलिक्यूल, सबसे पांच पांच सात सात क्वेश्चन दिए, फिर बोलना है आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। फिर देखो आप ध्यान से, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है दोस्तों एस्टर, देखो ध्यान से एस्टर, और एस्टर में सबसे पहले इस सिंगल बॉन्डेड ऑप्शन पे जो लिखा होता है एल्काइल या एराइल, सबसे पहले इसका नाम दिया जाता है, तो सबसे पहले तो आप नाम लिखेंगे इथाइल, फिर लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करो, लॉन्गेस्ट चेन कार्बन वन, यहां से ये नंबर वन टू और थ्री, टू पे लग रहा है आपके पास में मिथाइल, तो इथाइल लिखा, फिर क्या लिखेंगे टू पे मिथाइल, पेरेंट हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन हो गए पेरेंट चेन में, तीन, तो उसको कहेंगे आप प्रोपेन, लास्ट की ई को ड्रॉप करके लगा देना OAT, एल एस्टर में क्या लगाते हैं सफिक्स OH, तो नाम हुआ इथाइल टू मिथाइल प्रोपेनोएट, ऐसा कोई देखो, इथाइल टू मिथाइल प्रोपेनोएट, थर्ड आंसर को देखिए, इथाइल टू मिथाइल प्रोपेनोएट, कार्बन तीन है पेरेंट चेन में इसलिए प्रोपेनोएट। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट अटैक फर्स्ट आफ्टर हिट्रोलाइसिस, हिट्रोलाइसिस ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, अब आप इसको ध्यान से सुने मेरी लाइन को, तो साहब हिट्रोलाइसिस का मतलब है कि आप ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड को शिफ्ट कर देंगे और ये बने अब आपके पास में, अब क्वेश्चन एक साथ बताओ इसमें पहले अटैक कौन करेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आएगा पॉजिटिव, अच्छा आप इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखो ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन highly reactive because incomplete octet and negatively charged oxygen complete their octet, therefore nucleophile, nucleophile का मतलब जिसके पास में lone pair of electron होगा वो first attack करेगा, तो इसके अंदर electron pair donor,
फोर्थ ऑप्शन चेक करो, देख कितना अच्छा क्वेश्चन सेट किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग एज हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी समझते हो, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी। किसको डोनेट करने की? सबस्ट्रेट के पॉजिटिव चार्ज को, उसी को चाहिए ये। तो सब इजीली डोनेट कौन करेगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो, साइज लार्जर हो और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो सबसे बेस्ट डोनर साइट कौन सी रहेगी? इसके अंदर कार्बन, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा कार्बन कार्बन पे, ठीक है। और वैसे मैंने आपको बता रखी है कि जो भी वीक बेस होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोफाइल हो तो स्ट्रॉन्ग बेस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, एंड एन मिथाइल एनायन इज स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इजीली ओवरलैप, ठीक है। थर्ड आंसर। अब क्वेश्चन करना था आपको, एक दो बना रखे मिक्स। तो एक तो लिखा हुआ है हिंसबर्ग रिएजेंट। अब ये क्वेश्चन आता रहता है, व्हाट डू यू मीन बाय हिंसबर्ग रिएजेंट? तो एल एराइल बेंजीन हो सकता है या टोलुइन हो सकता है। एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, ये रहा एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, इनको कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। इसलिए फर्स्ट का आंसर मैच करेंगे आप डी से, फर्स्ट का आंसर डी, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन चल रहा है आपके पास, फोर और चेक कर लो। आइसो ऑक्टेन किसको कहते हैं? 2-2-4, 2-2-4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, ध्यान रखना। आइसो ऑक्टेन किसका नाम है? 2-2-4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। सी आंसर, बी में आंसर क्या लिखेंगे? सी, 2-2-4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, यानी ये थर्ड ऑप्शन। देखो अभी दो मिल गए आपके पास में, ठीक है। ये वैसे देखो बता दूं, ये क्या है कि एक ट्रेडिशनल नेम है, बाकी आपको पता है आइसो ग्रुप लगाने के लिए, आइसो के लिए सेकंड पर, एंड के सेकंड पर मिथाइल और स्टेट होनी चाहिए, लेकिन ये ट्रेडिशनल नेम है, आइसो ऑक्टेन चला आ रहा है। इसी तरह से ट्रिप्टेन, 2-2-3 ट्राई मिथाइल पेन ब्यूटेन इज ऑल्सो नोन एज आइसो हेप्टेन, ठीक है। तीन दो में ध्यान रखें। फिर लिखा हुआ है आइसो हेक्सीन, आइसो हेक्सेन, सॉरी, आइसो के अंदर ये आपके पास में आइसो और टोटल कार्बन हो गए छह, ये इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। फिर लिखा हुआ है आपके पास में आइसोब्यूटाइलिन, आइसोब्यूटाइलिन का मतलब देखो, आइसो ग्रुप लगाएं आप, आइसो की एप्लीकेशन है और कुछ नहीं। देखो और ब्यूटाइलिन का मतलब चार कार्बन की एल्किन, लो साहब ये हो गई आइसोब्यूटाइलिन। तो थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नाइन, CH3NIN इज लेस स्टेबल देन, कि किससे कम स्टेबल है ये? तो देखो ध्यान से, मिथाइल लगा हुआ है, इथाइल, तो वो तो ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है। इधर से और ज्यादा अनस्टेबल कर देगा, देखो इधर ध्यान से, ये तो और ज्यादा अनस्टेबल है मिथाइल से। तो हाँ, इस नाइट्रो को देखो, और जब आप इस पे नाइट्रो जोड़ेंगे, इधर देखिए इस पे लॉन पेयर है, ध्यान रखना आप, एक एच हटा दिया है, एक एच, और इस पे लगाओ आप नाइट्रो। तो जब नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे, इधर देखो, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मिथाइल है ना, जो इसमें नाइट्रो, जब नेगेटिव चार्ज लगाएंगे तो वैलेंसी को थोड़ा ध्यान रखो, टू ही आएगा ये, और इस पर है लोन पेयर, थोड़ा सा करेक्शन देख लेना, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। अब जब आप इसको नाइट्रो लगाएंगे, तो अब इसके अंदर होगा रेजोनेंस, ये पाई बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, इस पाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और चार्ज किस पे चला जाएगा? ऑक्सीजन पे। देखो इधर ऐसे ऐसे चार्ज किस पास जाएगा? ऑक्सीजन पे। तो रेजोनेंस की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, किससे? मिथाइल एनायन से। तो आंसर यही है, इसमें लिखा हुआ है मिथाइल एनायन इज लेस स्टेबल देन, बोले इससे, बाकी सब में प्लस आई के लगे हुए हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है। आपको बताने रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ दीज कार्बोनियम आयंस, इनकी स्टेबिलिटी। अब कार्बोनियम आयन अनस्टेबल होते हैं, ऑक्टेट होता है इनकम्प्लीट कार्बन का और पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो आप किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो देखो इधर, पहले में प्लस एम इफेक्टर और तो पैरा पोजिशन पर लगे होते हैं, तो आपको पता है कि वो रिंग पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं। जब नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई होना पड़ेगा या कम हो जाएगा, ठीक है। एक यहां पर कोई नहीं है, यहां पर मिथाइल, अब इसमें तो प्लस एम है और इसके अंदर कौन सा इफेक्ट है? प्लस एच, जो कि वीक इफेक्ट है बजाय प्लस एम के। मेजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है देन हाइपर कंजुगेशन, एंड एस अभी तक फर्स्ट, और इसके अंदर क्या चीज है? नो रेजोनेंस, इसलिए आंसर फर्स्ट देना। सबसे ज्यादा मोर स्टेबल तो कौन सा होगा? सबसे हाईएस्ट तो फर्स्ट, और सबसे कम कौन सा होगा? जिसके अंदर रेजोनेंस ही नहीं है, यानी डी से शुरू करो, ये सबसे लेस स्टेबल, उससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल ये बी वाला, सबसे ज्यादा कम स्टेबल तो लिखे आप डी को, फिर उससे ज्यादा किसको करें? बी को, फिर उससे ज्यादा किसको करें? इस सी को, क्योंकि तो इसके अंदर हाइपर कंजुगेशन है, और सबसे मोस्ट स्टेबल किसको करें? ए को। ऐसा इनमें ऑप्शन चेक कर लेना, डी बी सी ए मेरे ख्याल से फर्स्ट ही हो गया। देखो ये लो, अमंग द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अब देखो बेस, अब ये जितने भी बेस लिखे हुए हैं ये क्या है? लुइस बेस है। पहला लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, एनिलीन, फर्स्ट ध्यान से देखिए, पैरा नाइट्रो एनिलीन, दूसरा पैरा नाइट्रो एनिलीन,
ये NH2, और यहां पर पैरा पे क्या लगा दिया, नाइट्रो। नाइट्रो का माइनस एम इफेक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली नोट देगा, इसका मतलब इन दोनों में ये ज्यादा रहेगा। आगे लिखा हुआ है मेटा नाइट्रो एनिलीन, उसमें भी माइनस लगेगा। और चौथा जो इफेक्ट है, ध्यान से देखो, हालांकि वो थोड़ा सा वीक रहेगा, पैरा से थोड़ा स्ट्रॉन्गर रहेगा। चौथा कंपाउंड को देखो आप ध्यान से, इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, बिकॉज द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। इन सभी में, इससे पहले वाले में लोन पेयर कहां जा रहे थे, रेजोनेंस में, इसमें नो रेजोनेंस। इसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की या बेंजीन रिंग की साथ कंजुगेशन में नहीं है, इसलिए रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को या एसिड को इजिली अवेलेबल, एनहेंस फोर्थ वाला क्या नाम है इसका, बेंजाइल अमाइन इज स्ट्रॉन्ग बेस इन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नेक्स्ट, C7H9N हैज हाउ मेनी आइसोमेरिक फॉर्म दैट कंटेन बेंजीन रिंग। खास बात है कि बेंजीन रिंग होनी चाहिए इनके अंदर, कितनी बनेगी, तो देखो आपको समझाता हूं। C7H9N, तो एक तो मैं अभी जो बनाया उसी को बना देता हूं, बेंजाइल अमाइन को। काउंट करो, आपको काउंट कराता हूं। पहले कार्बन 7 हो गए, 6 तो इसमें, एक ये हाइड्रोजन देखो 5 तो रिंग के अंदर, और 2 ये 7 और 2 9 और 1 नाइट्रोजन, ठीक है। एक एक इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखना, रिंग के लगाता हूं एन, तो आप इसको क्या बोलेंगे, एन मिथाइल एनिलीन, ऐसे भी है साहब। और तीन में इसके बना लेता हूं साहब पोजीशन आइसोमर्स, जैसे CH3NH2, एक ऑर्थो टोलुइडीन कहते हैं इसको, ऑर्थो टोलुइडीन, फिर मैं इसको लिख दूंगा मेटा टोलुइडीन, और क्या बोलेंगे, पैरा टोलुइडीन। तो कुल मिलाकर एक तो बन गया आपके पास में बेंजाइल अमाइन, एक बन गया एन मिथाइल एनिलीन, और तीन बन गई टोलुइडीन, ठीक है। तो टोटल कितने बनेंगे, 5, जिनमें बेंजीन रिंग होनी चाहिए, बात कंडीशन ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन 13 को बेसिक स्ट्रेंथ पूछिए, एन आयन है कुछ, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ, एक तो साहब आपके पास में इथाइल एन आयन है, देखिए, एक आपके पास में इथाइलीन डबल बॉन्ड वाला है, और एक आपके पास में प्रोपाइन वाला है, ठीक है, जिसको एसिटिलाइड भी कहते हो, बोले सबसे स्ट्रॉन्ग बेस। तो ध्यान रखना कि जब एस करेक्टर ज्यादा होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, और जो ज्यादा स्टेबल है बेसिक स्ट्रेंथ कम, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग बेस फर्स्ट, फिर थोड़ा कम, और लास्ट में सबसे कम। तो यही आंसर लिख लो, ए सबसे ज्यादा, बी सी, फर्स्ट आंसर बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग अबो ट्रू स्टेटमेंट अबाउट SN2 रिएक्शन। अब SN2 को थोड़ा सा याद करो आप, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है आपके 12th का, एल्काइल हैलाइड और हेलोएल्केन में। तो SN2 के बारे में आपको समझा देता हूँ, ये लिविंग ग्रुप सपोज, ठीक है, ऐसे। तो इसके अंदर जब लिविंग ग्रुप हटने लगता है ना, ध्यान से देखो, बाई मॉलिकुलर है, जैसे ये हटने लगता है तो ये बैक साइड से 180 डिग्री पर, ध्यान रखना 180 डिग्री पर अटैक करता है सबस्ट्रेट के कार्बन पर पीछे से, इसलिए इन्वर्जन भी होता है। अब बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है, साइमल्टेनियस होते हैं दोनों स्टेप, इसलिए जब रेट लिखते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पावर 1, एंड एज इट इज बाई मॉलिकुलर एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब पढ़ते हैं, देखो ध्यान रखो, देयर रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, गलत है साहब, डिपेंड करती है ये, देखो बाई मॉलिकुलर SN2। दूसरा, न्यूक्लियोफाइल अटैक द कार्बन एटम ऑन द साइड ऑफ मॉलिक्यूल अपोजिट टू द ग्रुप बीइंग डिस्प्लेस्ड, बिल्कुल सही, क्योंकि जो ग्रुप डिस्प्लेस होगा उसके अपोजिट में जाके अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। द रिएक्शन प्रोसीड विद साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड रप्चर, बिल्कुल, और धीरे धीरे एक स्पीसीज बनती है ना, आपने इस तरह से लिख देते हो, इस बॉन्ड को आप हटाने लग जाते हो और इस बॉन्ड को जोड़ने लग जाते हो, तो साइमल्टेनियसली इसका रप्चर होने लग जाता है, फॉर्मेशन सही है, और इन्वर्जन टेक्स प्लेस, ये भी सही है। यानी कुल मिलाकर 2, 3 और 4 स्टेटमेंट करेक्ट, एंड आंसर 4। क्वेश्चन नेक्स्ट, बिल्कुल सिंपल, 15 क्वेश्चन 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल। नॉट कायरल का मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है क्या, तो आप पहले तो कार्बन ही देख लिया करो, जैसे पहले में देखो इधर ध्यान से, यही कायरल कार्बन नहीं है कोई भी, इसमें देखो इस CH2, उसमें चारों वैलेंसी पर अलग अलग होना चाहिए, सब के सब किसी पर भी नहीं है ऐसा कायरल। हाँ, इसमें देखो ये कार्बन कायरल हो जाएगा, इस वाले को देखो क्या क्या जुड़ रहे हैं इसमें, एक तरफ तो जुड़ रहा है Cl, एक है साहब H, एक है D, और बाकी रिमेनिंग पार्ट, तो ये कायरल है, ये वाला कार्बन, ठीक है। इसमें देखो जहां पर डी जुड़ रहा है उसी पर फोकस करो, वो भी कायरन है, क्योंकि एक तरफ तो एच है, एक तरफ डी है, एक तरफ क्या है इसके अंदर, एक तरफ इसमें मिथाइल है, एक तरफ पूरा ये बड़ा था पार्ट है, ये रहा देखो, ये रहा कायरल। इसी तरह से यहाँ पे इस कार्बन को देखो, ये भी कायरल है, एक तरफ एच है, एक तरफ सी एल है, एक तरफ ड्यूटेरोमिथाइल और एक मिथाइल, ठीक है। तो फर्स्ट वाला नॉट ए कायरल, ठीक है, फर्स्ट आंसर। एन ब्यूटाइल एल्कोहल एंड आइसोब्यूटाइल एल्कोहल आर,
आइसोमेरिज्म से लिया गया है। देखो क्वेश्चन, आइसोमेरिज्म के भी 5-7 क्वेश्चन डाले हैं, केवल इसलिए क्योंकि आपने पता है केवल ऑर्गेनिक का पेपर है और ऑर्गेनिक के जितने भी आपके पास चैप्टर है उनका सबका कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर रख के किया गया पेपर। ठीक, तो देखो आप आइसोब्यूटाइल, एनब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल, पहले तो स्ट्रक्चर आपको पता है, ये तो साहब हो गया आपके पास में एनब्यूटाइल एल्कोहल और ये हो गया आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। बोले साहब किस तरह के आइसोमर हैं, आप देखो एक बार ध्यान से। पहला ऑप्शन है मेटामर, मेटामर के लिए पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए जिसमें डिफरेंट टाइप के एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं उनको कहते हैं। दूसरा लिखा हुआ है चेन आइसोमर। हाँ, चेन आइसोमर की डेफिनेशन सुनो, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन जब अलग अलग होते हैं तो उनको कहते हैं चेन आइसोमर। दोनों वैसे एल्कोहल हैं इसलिए ये है चेन आइसोमर, करेक्ट आंसर। दूसरा पोजीशन, अब पोजीशन की सुनो आप, पोजीशन कब चेक की जाती है, आइडेंटिकल होनी चाहिए प्रिंसिपल चेन, यानी चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम बराबर, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस हो, मल्टीपल बॉन्ड की में हो या सब्स्टिट्यूएंट, जब बोला जाता है पोजीशन तो पोजीशन गलत है। और स्टीरियो आइसोमर्स है नहीं, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म से पड़ता नहीं, स्टीरियो में तो या तो सिस ट्रांस या ऑप्टिकल आते हैं, इसलिए आंसर क्या बोलेंगे, चेन। क्वेश्चन नंबर 17, 17 देखिए, कुछ रिएक्शन दे रहा क्या आपको, मैच करना है। क्वेश्चन 17, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल टू एल्डिहाइड। अब इसका मतलब है आपको इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के लिए क्या लेंगे आप, पीसीसी। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल इनटू एल्डिहाइड क्या लेना, पीसीसी, यानी फर्स्ट का आंसर क्या लगेंगे, पी क्यू आर, फर्स्ट का आंसर है आर, जैसे ये चल रहा है आप देखो, फर्स्ट का आंसर क्या लिखना आप, आर। दूसरा लिखा है ब्यूटेन टू ओन, कीटोन है उसको रिड्यूस करना है ब्यूटेन टू ओल में, रिडक्शन कराएंगे कार्बोनिल कंपाउंड का, तो आप NaBH4 ले सकते हो या LLH4, फर्स्ट आंसर यानी P लिखेंगे, सेकंड में क्या लिखेंगे आप, P। आगे लिखा हुआ है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल टू गिव 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, ब्रोमिन वाटर से करा दो, तो ये आपके पास में थर्ड में क्या हो जाएगा, यहाँ पर लास्ट में S, ब्रोमिन वाटर से एक्टिवेटर लगा हुआ है, नो लुइस एसिड की जरूरत नहीं है। फिर डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ओल टू प्रोपीन, तो इसके लिए कंसेंट्रेट एसिड ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो या फिर कंसेंट्रेट फॉस्फोरिक एसिड ले सकते हो, हीटिंग टेम्परेचर लिख रहा है खत्म। फिर लिख रहा है मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन, क्वेश्चन नंबर 19, फिर वापस जीओसी का क्वेश्चन है, मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन, तो फिर वापस देखो कार्बोनियम आयन क्यों अनस्टेबल है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करो, इसका इफेक्ट कहता है माइनस, ठीक है माइनस आई होता है, ठीक है प्लस एम भी होता है हालांकि होने को, लेकिन वीक है, इसका क्या है माइनस एम, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। फिर वापस इसका क्या इफेक्ट था, अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, प्लस एम, प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और तो पूरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एनहांस न्यूट्रलाइज कर देगा पॉजिटिव चार्ज को, इट मीन्स मोर स्टेबल, इसमें ऐसा कुछ नहीं, तो आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 समझो इसको, अमाइड ए मॉलिकुलर फॉर्मूला C7H7NO, तो पहले इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं कंपाउंड ए का, अमाइड तो CONH2 लिखेंगे, और अब आप थोड़ा सा हिंट भी समझा करो, जब कार्बन हाइड्रोजन का रेशो में मच डिफरेंस नहीं होता इसका मतलब एरोमेटिक स्पीसीज पर जाओ, तो ये कंपाउंड था ए। क्या क्या बात है, अंडरगो होफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, बहुत अच्छी रिएक्शन लिखी किसी ने, किसमें Br2 और KOH की रिएक्शन कराई जिसको कहते हैं होफमान डिग्रेडेशन, CO खत्म हो जाता है इसके अंदर और क्या बन जाती है आपके पास में एनिलीन, क्या बन जाएगा प्राइमरी अमीन, ये बन गया था बी। आगे क्या क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, बी ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, सी डाइजोटाइजेशन कहते हैं इसको, HNO2 मिलता ही नहीं लैब में, तो बोले क्या किया जाता है, इन सीटू जनरेट किया जाता है, किससे, NNO2 और एसिड से, ध्यान रखना, इसलिए क्या बताया डाइजोटाइजेशन 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए बन जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये कंपाउंड है सी। अब देखो ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म डी, अब सुनो इसकी बात, अब ये क्या है, एक तो क्लोरोफॉर्म और इथेनोलिक केवेस के साथ रिएक्शन की, अब ध्यान से सुनना, ये बहुत बढ़िया अच्छा लिविंग ग्रुप है, जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल आता है सबसे पहले ये इसको रिप्लेस कर देता है, तो ये किसमें बदल गया साहब, फिनोल में, ध्यान से सुनो, और ये बहुत ही बढ़िया रिएक्शन, इसमें डाइक्लोरोकार्बिन बनती है, इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करता है ऑर्थोपैरा पे, हालांकि सैलिसिलल्डिहाइड मेजर प्रोडक्ट बनता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, तो ये जो कंपाउंड बना अब आपके पास में ये डी है। क्या नाम है रिएक्शन का, राइमर टीमान, याद करो राइमर टीमान आपकी बुक में गिवन है एनसीईआरटी की में, ठीक है, तो ये कंपाउंड डी। और सी के बारे में और बात, ट्रीटमेंट विद इथेनॉल की, अच्छा इस पे जो इथेनॉल की रिएक्शन करा दी जाती है, ध्यान से सुनो, तो इथेनॉल खुद तो हो जाता है एल्डिहाइड में रिड्यूस और इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, इसमें N2 बाहर निकल जाता है, बेंजीन बना देता है, इसको रिड्यूस कर देगा इसको,
और इथेनॉल का खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जुड़ जाएगी इस जगह, इसलिए बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। अब पढ़ के देख ले आप, तो इसमें क्या है, सी तो क्या लिखा, अब देखो ए इज बेंजामाइड, ठीक है, एंड डी इज फिनाइल आइसोसाइनेट, गलत है। डी क्या चीज है आपके पास में, सैलिसिलेडियाइड। तो दूसरा बी इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम नहीं है, एनिलीन है, यही खत्म। सी लिख रखा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, एंड डी इज सैलिसिलेडियाइड, बस खत्म। ये लो साहब, ये आंसर आपके पास में, थर्ड थर्ड क्वेश्चन। बहुत अच्छी रिएक्शन थी ये। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आप आइए 20 पर। तो इसका देखो 20, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट प्रिफर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। तो अब आपको बता दूं, मोस्ट प्रिफर्ड का मतलब जिसमें स्टेबल फॉर्म है, तो क्या लिखेंगे इथेन का, स्टेजर्ड। उसका रीजन है ना, आपको पता है कि स्टेजर्ड में टॉर्सियनल स्ट्रेन वंडरवाल रिपल्शन सबसे कम होते हैं, डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री का होता है, ध्यान रखो, इसलिए सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म है कौन सी, स्टेजर्ड। तो स्टेजर्ड फॉर्म को प्रिफर करता है। सबसे लेस स्टेबल कौन सी होती है, एक्लिप्स, जिसमें टॉर्सियल स्ट्रेन सबसे ज्यादा, वंडरवाल रिपल्सन भी सबसे ज्यादा, और डाइहेड्रल एंगल कितना होता है, 0 डिग्री का पास पास होते हैं, इसलिए सबसे कम, और इनके बीच वाली होती है इसकी, इसलिए आप सबसे ज्यादा स्टेबल किसको बोलेंगे, स्टेजर्ड। प्रीफर्ड का मतलब किसको रहता है, तो मोर स्टेबल में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 21, हाउ मेनी प्राइमरी अमीन आर पॉसिबल ऑफ द फॉर्मूला C4H11N, कितने बन सकते हैं प्राइमरी। तो आप ध्यान से देखो, C4 के चार रेडिकल बनते हैं, और प्राइमरी किसको कहते हैं, इसका फंक्शन ग्रुप NH2 हो, तो मैं चार बना सकता हूं। देखो एन प्रोपाइल अमाइन, प्राइमरी बोल रहा हूं, आइसो प्रोपाइल अमाइन, आइसो ब्यूटाइल अमाइन, सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन, एंड टी ब्यूटाइल अमाइन, टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन। लो साहब, चार बन सकते हैं प्राइमरी। ऐसे आपको बताऊं, इसके सेकेंडरी भी तीन बन सकते हैं, एक टर्सरी, टोटल आठ बनते हैं, ध्यान रखें आप। तो केवल इसमें आपसे पूछा है कितना प्राइमरी, आंसर क्या देंगे, 4। क्वेश्चन नेक्स्ट, फिनोल एंड बेंजोइक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाई। अब आप समझो, देख फिनोल और बेंजोइक एसिड को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, देखो ये तीन चार रिएजेंट ले रखे, समझना, एक एक लाइन समझाता हूं आपको। ये तो साहब फिनोल और ये बेंजोइक एसिड, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो आपको बताता हूं। पहला लिखा हुआ है लिटमिस वाटर, लिटमिस पेपर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही आपको पता है एसिडिक है, जो दोनों ही ब्लू को किसमें कन्वर्ट करते हैं, रेड में, पता नहीं लगेगा। आगे सोडियम, दोनों की सोडियम से रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी बबल्स की फॉर्म में, कोई पता नहीं लगेगा, हाइड्रोजन यहाँ से एक्टिव एच निकल जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, गुड रिएजेंट, क्योंकि ये जो फिनोल है, ध्यान रखना कार्बोनिक एसिड से कैसा है, वीक, इसलिए ब्रिक्स एफर्वेसेंस नहीं देगा सोडियम बाइकार्बोनेट के संग, ये स्ट्रॉन्गर है, इसलिए ये क्या देगा, CO2 के ब्रिक्स एफर्वेसेंस देगा, बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलेगी CO2, तुरंत पता लग जाएगा कि इट इज ए बेंजोइक एसिड एंड इट इज फिनॉल। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन थी। ब्रेडी रिएजेंट ये तो लिख रखा है, ब्रेडी रिएजेंट पता है किसकी रिएक्शन है, कार्बोनिल कंपाउंडों की, 2,4-DNP, समझ गए, ब्रेडी रिएजेंट भी कहते हैं, बोर्स रिएजेंट जिसमें ऑरेंज रेड क्रिस्टल बनते हैं, तो कोई रिएक्शन नहीं देगा, वो तो एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है। तो इसमें आंसर क्या लिखेंगे, थर्ड। क्या पता लगेगा, फिनोल डज नॉट इवॉल्व ब्रिक्स एफर्वेसेंस विद सोडियम बाइकार्बोनेट, बट बेंजोइक एसिड इवॉल्व। क्वेश्चन नेक्स्ट 23, बढ़िया क्वेश्चन था ये, आपको बता देता हूं। क्वेश्चन 3, आप समझ रहे हैं क्वेश्चनों को, क्या लिख रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन रिएक्ट फास्ट विद एच टू अंडर कैटेलिटिक रिडक्शन। अब कैटेलिटिक रिडक्शन की बात करते हैं, एन टू एच टू, तो सिन तो होता है एडिशन, और एक क्या है सिन एडिशन, जब होता है आपको समझा देता हूं, तो सिन एडिशन में क्या एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है, ऐसे ऐसे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ये बॉन्ड टूटते रहते हैं, इसलिए स्टेरिक क्राउडिंग पर डिपेंड करती है, इसलिए किस पर रिएक्शन डिपेंड करती है, स्टेरिक क्राउडिंग पर। तो छोटे छोटे रखो यहाँ पर, जिससे जल्दी फास्ट हो जाए। तो पहला ही आंसर है, आपको बता देता हूँ, दोनों तरफ एच है तो सिस एल्कीन, यहाँ पर क्या है, दोनों एच दोनों तरफ नहीं है, एक तरफ ये एच कहीं से ऊपर से जोड़ो यहाँ पर, एक तरफ आर, बल्कि यहाँ पर भी एक तरफ आर एच, और यहाँ पर दोनों ही आ रहे हैं, इसलिए सबसे फास्ट रिएक्शन फर्स्ट में, लेस स्टेरिक क्राउडिंग देखनी है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24 सुनो, विच सोडियम सोल्ट व्हेन हीटेड विद सोडा लाइम गिव प्रोपेन। अब प्रोपेन में होता है डिकार्बोक्सिलेशन, जैसे पहले की बात करते हैं आप, तो ये आप सोडा लाइम से जब रिएक्शन कराते हैं तो ये बाहर निकल जाता है और एच जुड़ता है, इसीलिए तो कहते हैं डिकार्बोक्सिलेशन, इसीलिए तो क्या कहते हैं आप इसको, डिकार्बोक्सिलेशन। ऐसे होता है, देखो आपको समझा देता हूँ, हिड्रोलिटिकल फिजन होता है, ये नेगेटिव है, ऐसे टूटता है, बाद में वाटर से एच आके यहाँ पे जुड़ जाता है, जब NaOH और CO2 की रिएक्शन होती है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, इथेन। ठीक
ठीक है। दूसरे को देखो, इसका मतलब प्रोपेन नहीं बनी, एक कम कार्बन का बनता है वैसे भी ध्यान रखें आप, ठीक है। इधर देखो इसको, तीसरे को CH3 CH2 CH2, और इस पे लगा हुआ है दोस्तों सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 बाहर करो, तो CO2 बाहर, यहाँ पर चार्ज क्या आ जाएगा आपके पास में, नेगेटिव, CO2 को तो बाहर कर देना, समझ गए। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, शॉर्ट में यहाँ पर नेगेटिव, फिर वाटर का एच जुड़ेगा, बोले बन जाएगी प्रोपेन एक। तीसरे को भी देखो CH3, अच्छा इस पे दो बार लिख रखा है, दो बार आप लिखो CH3 CH, सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, फिर करिए आप बाहर निकालो, और इस पे नेगेटिव और एच, तो ये भी प्रोपेन ही है, इसलिए आंसर 2 एंड 3 बोथ। ध्यान से करना, जल्दीबाजी मत किया करो। डिकार्बोक्सिलेशन, CO2 को निकालो, और जैसे ही एनायन बनेगा उस पर एच जोड़ना। कहां से आएगा कि जो इसमें से CO2 बाहर निकलेगी, सोडा लाइम में एनएच होता है, एसिड बेस रिएक्शन होती है, सोडियम कार्बोनेट वो देता है एच। क्वेश्चन नेक्स्ट, ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑफ द केम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद इथाइल एल्कोहल। आप समझो कुछ नहीं है, दो बार दिया मैंने ये क्वेश्चन, क्योंकि सही हो, ये तो ग्रीक नियर एजेंट है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसकी किससे रिएक्शन करानी है, इथाइल एल्कोहल से। आप ध्यान से सुनो कि इथाइल एल्कोहल में क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन, और जब एक्टिव, ये न्यूक्लियोफाइल है, एक्टिव हाइड्रोजन होती है तो एल्काइल या जो भी ग्रुप लगा होता है ग्रीक नियर एजेंट में, वो कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन बदल जाता है, इसलिए एल्केन मतलब मीथेन बनेगा, ड्यू टू कंटेन एक्टिव एच एटम, एक्टिव हाइड्रोजन होता है इसमें। फर्स्ट आंसर, व्हाट वुड बी प्रोडक्ट व्हेन प्रोपेन हीटेड विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर। आप सुनो, बढ़िया रिएक्शन पहले ही चैप्टर की आपको, प्रोपेन हीट विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब आपको समझाता हूं इस रिएक्शन को। पहली बात तो, जब प्रोपेन का नाइट्रेशन करते हैं तो फ्यूमिंग HNO3 की जरूरत पड़ती है, और आपको बता देता हूं टेम्परेचर लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 450 से 500 डिग्री। तो इसके अंदर जो फ्री रेडिकल बनता है, नाइट्रोनियम आयन बनता है, नाइट्रो फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, ध्यान से सुनो, IUM तो लगाना गलत है। अब क्या क्या होता है इसके अंदर, एक तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड भी फिजन होता है इस टेम्परेचर पर कंडीशन पे, और कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी फिजन होता है। आप सुनो, तो पहला प्रोडक्ट यहाँ पर जुड़ सकता है, तो क्या बनेगा, फर्स्ट नाइट्रो प्रोपेन, दूसरा यहाँ से एच हटके बनेगा 2 नाइट्रो प्रोपेन, दो हो गए, और यदि कार्बन कार्बन के बॉन्ड का फिजन हुआ तो नाइट्रो इथेन एज वेल एज नाइट्रो मीथेन सब बनेंगे। देखो ये रहा, फर्स्ट नाइट्रो प्रोपेन, 2 नाइट्रो प्रोपेन प्लस नाइट्रो मीथेन प्लस नाइट्रो इथेन ऑल, इसलिए मिक्सर बनता है। बढ़िया रिएक्शन थी। क्वेश्चन 27, बढ़िया क्वेश्चन, ये भी एल्केन का, देखो इधर 27 में, द मेन प्रोडक्ट ऑफ द मोनोब्रोमिनेशन ऑफ मिथाइल साइक्लोपेंटेन। अब समझो आप, मिथाइल साइक्लोपेंटेन यानी ये भी एक तरह का एल्केन, साइक्लिक कंपाउंड है, कहीं से भी लगा दो मिथाइल, ये अब ब्रोमिनेशन करना है, मोनोब्रोमिनेशन। तो दोस्तों एल्केन की भी आपको पता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, या तो आप इसको अल्ट्रावॉयलेट रेडिएशन डालेंगे, एच न्यू लिख देते हैं, या हीट से, तब बनेगा। तो आपको फ्री रेडिकल बनाना है, आप फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए आपको, यदि यहां से बनाता हूं तो फ्री रेडिकल प्राइमरी, यहां से बनाता हूं सेकेंडरी, यहां से बनाता हूं तो टर्शरी, तो आप टर्शरी ही बनाओ, बस खत्म करो बात को, टर्शरी पर ही जोड़ो, ब्रोमिनेशन पूछा है, इसलिए प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास में, ये वाला। मिथाइल को कुछ मत करना, बस मोनोब्रोमिनेशन का मतलब ये कि जोड़ना है, ये तो डाइब्रोमिनेशन गलत, क्लियर। हाँ, तो क्वेश्चन में इसमें मोनोब्रोमिनेशन में फर्स्ट और थर्ड फोर्थ हो सकते थे, आप ये प्राइमरी पे, ये टर्शरी पे टर्शरी बनाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओजोनोलेसिस ऑफ द कंपाउंड प्रोड्यूस एक तो एसीटोन और एक पेंटेन टू ओन। तो अब आपको एक तरीका बता देता हूं, जो भी आपको गिवन कंपाउंड होते हैं ना, इनमें कुछ नहीं करना है, उसके डबल बॉन्ड को तोड़ो और एक एक ऑक्सीजन लगाओ। जैसे यहां पर तोड़ दिया मैंने, एक ऑक्सीजन ये एक ऑक्सीजन, तो एक तो बना एसिटाल्डिहाइड और ब्यूटेनोन, एक ऐसे यहां पे तोड़ो इसको, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन, तो ये तो बन गया एसीटोन। ध्यान से देखो, क्योंकि तो CH3 दो बार लिखा हुआ है, ध्यान रखें CH3 कितना लिखा हुआ है, 2 टाइम्स, तो ये तो एसीटोन और ये बन गया आपके पास पेंटेन टू, जिसको पूछना चाहते हैं लॉजिक आप खत्म किया बात, ऐसे तोड़ दो। हाँ, द मेन प्रोडक्ट ऑफ द एडिशन ऑफ टिल्डेन्स रिएजेंट ऑफ एट एल्फा ब्यूटाइलिन। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान सुनो, एल्फा ब्यूटाइलिन जानते हो ना, फर्स्ट कार्बन पे लगाना डबल बॉन्ड, देखिए अब आप ये साहब आपके पास में एल्फा ब्यूटाइलिन, बढ़िया क्वेश्चन है। टिल्डेन रिएजेंट किसको कहते हैं, NOCl को। अब दोस्तों ध्यान से सुनो, जब इसकी रिएक्शन होती है ना NOCl की, तो इसमें जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये स्ट्रक्चर है, तो जैसे रिएक्शन सुनते हो, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लेती है और नाइट्रोजन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है, अब पाई बॉन्ड डिलोकलाइज होकर पहले ये बनेगा। अब देखो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है, आपको समझा देता हूँ इसकी मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पर एन और इधर एक Cl जुड़ रहा था, और इस पे क्या जुड़ रहा है आपके पास में, O, उस पे चार्ज नेगेटिव, और नाइट्रोजन का लोन पेयर जुड़ेगा इसके साथ,
ठीक है, ऐसे फिर सीएल तो बाहर निकल जाएगा, जब सीएल बाहर निकल जाएगा तो वापस इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। फिर ये सीएल ऊपर से एंटी अटैक करेगा, इसलिए प्रोडक्ट बनेगा आपके पास में CH3 CH2, यहां पर आएगा सीएल, इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोजन सेंटर ध्यान रखना, और CH2NO, ये इसका प्रोडक्ट बना। देखो एक बार ऊपर कर देता हूं, जैसे आप ध्यान रखें कि साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है, उसी तरह से यहां पर साइक्लिक नाइट्रोनियम आयन बनता है। तो यहां पर तो क्या जुड़ेगा आगे, सीएल, और इधर क्या जुड़ रहा था, एनओ, नाइट्रोसो कहते हैं इसको। तो नेमिंग देंगे यहां से 1 2 3 एंड 4, तो 2 क्लोरो अल्फाबेटिकल बोलो, 2 क्लोरो फर्स्ट नाइट्रोसो ब्यूटेन, 2 क्लोरो फर्स्ट नाइट्रोसो ब्यूटेन येलो सा, क्लियर, फर्स्ट नाइट्रोसो ब्यूटेन 4 कार्बन का है कंपाउंड। बढ़िया क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 बता रहा हूं, क्वेश्चन 30, विच कंपाउंड हैज हायर हीट ऑफ कंबेशन। सबसे पहले आप ध्यान रखना, सबसे पहले जितने एटम ज्यादा उतनी हीट ज्यादा बाहर निकलती है कंबेशन से, सीधी सी बात है, जितना मास ज्यादा होगा तो ज्यादा जलेगा, ज्यादा जलेगा तो हीट भी ज्यादा बाहर निकलती है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ एटम चेक किया, फर्स्ट आंसर आ गया, बस खत्म, आगे कुछ नहीं देखा। हाँ, नंबर ऑफ एटम बराबर हो यानी आइसोमर हो तो स्टेबिलिटी चेक करो। फॉर एग्जाम्पल द हीट कंबेशन ऑफ ट्रांस टू ब्यूटीन इज लेस देन सिस टू ब्यूटीन, खत्म बात। तो वो जब देखना, जब नंबर ऑफ एटम आपने इक्वल हो, नंबर ऑफ एटम ज्यादा है तो आप जिसके ज्यादा उसकी हीट ऑफ कंबेशन भी ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31, ये क्वेश्चन था 30, आगे दिखाता हूं क्वेश्चन 31 को, देखो बढ़िया क्वेश्चन 31, एक अच्छा क्वेश्चन। देखिए टोलुइन पर रिएक्शन कराई एनबीएस की, अब आप ध्यान रखना ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, एलाइलिक, एलाइलिक कार्बन आपको समझा देता हूं, बढ़िया क्वेश्चन है ये। और हाई टेम्परेचर पर क्लोरीन ब्रोमीन रिएक्शन, जैसे 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे बोल दी जाए, या एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड पर, तो एलाइलिक, तो ये कार्बन है एलाइलिक। देखो इस डबल बॉन्ड एलाइल को आपको समझा देता हूँ, याद करो फर्स्ट चैप्टर में क्लासिफिकेशन है, तो इसको कहते हैं आप एलाइलिक कार्बन, इसको डबल बॉन्ड के पास वाले को, तो ये एलाइलिक। तो आप क्या करोगे, एनबीएस लगाओगे तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करो ब्रोमिनेशन, इसलिए फर्स्ट का आंसर तो ये सी होगा। देख लो इधर दूसरे में ब्यूटाइन, और फिर क्या नाम रिएक्शन का, ऑक्सो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, कैसे एडिशन करता है मार्कोनिकॉफ, लेकिन इसमें जो ब्यूटाइन ली गई है तो उसमें मार्कोनिकॉफ का और एंटी मार्कोनिकॉफ का फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल एल्काइन है, सिमेट्रिकल एल्कीन एल्काइन पर फर्क नहीं पड़ता, वाटर जुड़ता है, जोड़ तो कहीं भी आपकी चॉइस रहेगी, इनॉल फॉर्म बनेगी, टोटोमराइज करा के ब्यूटेन 2-1 बना दो ये लो सा, ये इसका। आगे स्टायरीन, अब ये समझने वाली बात थी, स्टायरीन क्या होती है पहले ये आना बहुत जरूरी है। विनाइल बेंजीन को स्टायरीन कहते हैं, ये है विनाइल बेंजीन, स्टायरीन क्या कराया इसमें, ब्रोमीन के एडिशन रिएक्शन होते हैं साहब, यहाँ पे कराना बाहर थे, एक बी आर और एक बी आर, लो जी एडिशन रिएक्शन है एल्कीन की, ये आंसर आ जाएगा। फिर कराइए ये बढ़िया क्वेश्चन, फर्स्ट फिनाइल प्रोपीन पर एच बी आर इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड। अब ये क्वेश्चन समझिए आप, फर्स्ट पे लगाओ फिनाइल, ये लगा देता हूं, ये लो फर्स्ट फिनाइल प्रोपीन नाम है, ये तो है आपके पास में कंपाउंड, देख लो फर्स्ट फिनाइल प्रोपीन, ये लो इस पर रिएक्शन करानी है आपको, किसकी, एच बी आर की, इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड। तो आपको पता है इस पर जो एल्कीन है इस पर अटैक करेगा, इसकी मैकेनिज्म को आप थोड़ा सा रिवाइज करो, और ब्रोमाइन जो फ्री रेडिकल है वो अटैक करता है, उस अटैक करता है तो होमोलिटिकल फिजन होता है ध्यान रखना, तो उससे क्या है फ्री रेडिकल बनेंगे, तो आप इसमें स्टेबल फ्री रेडिकल ये बनाना, फिर अगले स्टेप में यहीं पर क्या जोड़ देना आप आके, एच जोड़ देना, जिससे एच बी आर आएगा ना अगले स्टेप में, चेन प्रोपोगेशन स्टेप है ये ध्यान रखना, और आरडीएस भी है ये, क्योंकि सबस्ट्रेट पर पहली बार अटैक करता है, वो तो फॉर्मेशन था इसका, इसलिए क्या बनेगा आपके पास में, टू पर, इधर से चेन में बात करोगे तो ये 2 पे रहेगा बी आर, और यहां पर लग जाएगा एच, ठीक है। तो ऐसा कंपाउंड जैसे ये रहे देखो CH2 CHBr, ठीक, तो इनको आप चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन 32, तो इसमें देखो आपको आंसर बता दूं, पहले में टोलुइन में क्या बनेगा NBH, तो ए का आंसर तो लिखेंगे सी, दूसरे में ब्यूटीन टू ब्यूटाइन बी है, इसका आंसर लिखेंगे ए, समझ गए स्मॉल ए, इसी तरह से स्टायरीन का आंसर क्या लिखेंगे डी, सी का आंसर क्या लिखेंगे डी, और ये फिनाइल वाले का आंसर क्या लिखेंगे आप बी, लो जी डी का आंसर लिख देना बी। अब ऐसे इसमें चेक कर लेना कौन सा दे रखा है, चेक करो ए में सी, ए का सी दो हो सकते हैं, बी बी में क्या लिखोगे ए, बस तो ये आंसर सेकेंड, लो जी खत्म, आगे चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 32, बढ़िया क्वेश्चन, देखो एक सीक्वेंस का क्वेश्चन है, रिएक्शन कराई था अब एल्कीन पर ब्रोमीन की रिएक्शन, CCl4 तो एक सॉल्वेंट है तो एडिशन करा दो, कुछ मत सोचो, लो जी ब्रोमीन पे एडिशन ट्रांस होता है, लेकिन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एल्कोलिक के से कराओ तो एक एच बी आर निकलेगा, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, दूसरे में सोडामाइड से एक और निकल जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस,
इसलिए आपके पास में जो कंपाउंड बी है वो एसिटिलीन बन जाएगा। ध्यान रखना, सोडामाइड निकालता है, विनाइल हैलाइड से एच एक्स एल्कोलिक एच नहीं। फिर क्या करना है, एच बी आर एड करना दो बार। तो अब साहब इस पे एच बी आर का एडिशन करते हैं। देखो सबसे पहले रिएक्शन कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एक एच जोड़ दो और एक बी आर जोड़ दो। अब आगे फिर वापस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फिर एच लेकर आओ। अब दो बात ध्यान रखें आप, जब एच इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो एक बात मैं दो बना के दिखा देता हूं। सपोज मैं इसको एसिड लोकलाइज करता हूं तो बनेगा आपके पास में ये कैटायन, और यहां पर आ जाएगा आपके पास में एच जुड़ जाएगा और ये बी आर। और यदि मैं इसको इस तरह से डिलोकलाइज करता हूँ, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिखाता हूँ, तो आपके पास में यहाँ तो जुड़ जाएगा एच और कैटायन बनेगा ये। अब आपको दोस्तों इनमें से पहचानना है कि साहब कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आपको ध्यान होना चाहिए एक बैक बॉन्डिंग वाला फिनोमिना। बैक बॉन्डिंग इसके अंदर क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग ऑक्टेट कंप्लीट ये लोड कर देगा एमटी ऑर्बिटल में, इसलिए यही बनाओ और अगले चल के बी आर को यहीं जोड़ दो। तो क्या बनेंगे, जैम। एक ही कार्बन पे जुड़ते हैं तो क्या कहते हैं, जैम डाइब्रोमाइड। अब जल्दी मत करना, आप जेम डाई हैलाइड भी लिख रखा है, जब बी आर लिख रहा है तो जेम डाई ब्रोमाइड ही बोलो ना, सी ऑप्शन, गलती मत कर देना। क्वेश्चन नंबर 33, इसी तरह की एक रिएक्शन मैकेनिज्म देखो। क्वेश्चन 33 क्या है, प्रोपीन पर एच बी आर एच सी एल की रिएक्शन है, ऑर्गेनिक परोक्साइड। याद रखना एच बी आर के अलावा एच एक्स परोक्साइड का इफेक्ट नहीं होता, इसलिए मार्कोनी कॉपी एडिशन करा दो। तो क्या बन जाएगा साहब, टू क्लोरो प्रोपेन। फिर मोइस्ट एजी2ओ, मोइस्ट एजी2ओ समझते हो, इसके अंदर OH है तो इसलिए Cl को हटा के एल्कोल देगा OH। और फिर क्या कराना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी बता दिया दोस्तों मैंने कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंडों की रिएक्शन कराओगे तो कोरेस्पॉन्डिंग की बन जाती है एल्केन, इसलिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथेन। ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या देता है, एक्टिव एच, ये रहा। इसलिए फाइनल प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, इथेन, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन 34 देखो, क्वेश्चन नंबर 34 को, बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है एग्जाम्स में, नीट और जेई के एग्जाम में आते ही रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिए जो जनरली पूछे गए हैं या जो जनरली आते रहते हैं। ठीक, क्वेश्चन है कि द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद एल्कोहलिक केवेज एंड पैराटोलुइडीन। अब ये बात आनी चाहिए कि पैराटोलुइडीन क्या होती है, तो आप ध्यान से सुनो दोस्तों कि जब मिथाइल लगता है तो टोलुइन कहते हैं, और जब NH2 लग जाता है तो टोलुइडीन कहते हैं। पैरा पोजिशन का मतलब आप अच्छी तरह जानते हो। अब ये रिएक्शन है देखो, क्या कहते हैं इसको, कार्बाइल अमीन रिएक्शन कहते हैं, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। क्या नाम है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, जिसमें प्राइमरी अमीन NH2 ग्रुप आइसोसाइनाइड में बदल जाता है, ऑफेंसिव स्मेल के होते हैं, इसलिए ये रिएक्शन प्राइमरी अमीन को टेस्ट करने में भी काम आती है, प्राइम अमीन के टेस्ट करने को भी काम आती है, आइसोसाइनाइड टेस्ट ही कहते हैं। तो आंसर नंबर 4 चेक करो। क्वेश्चन नेक्स्ट 35, प्रोपेन की रिएक्शन कराई एल्कोहलिक KOH से, करा दो एच एक्स को बाहर निकालो, प्रोपेन बना लो। देखो क्वेश्चन नंबर 35 बता रहा हूं, इसे फर्स्ट ब्रोमो प्रोपेन एल्कोहलिक KOH डालो तो ये क्या बन गया आपके पास में, प्रोपीन। लो फिर क्या करो, एच बी आर के एडिशन कराओ, कुछ नहीं करना है, मार्कोनी कॉप रूल से एडिशन करा दो, क्योंकि परोक्साइड तो कोई डाला ही नहीं। लो जी ये क्या बन गया आपके पास में, टू ब्रोमो प्रोपेन। फिर एक्वस KOH से रिएक्शन कराओ, एक्वस KOH क्या करता है, हेलोजन को हटा के OH SN रिएक्शन देता है। ठीक है, एक्वस KOH से तो सी पूछा है आपसे, तो प्रोडक्ट सी क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ले लो जी सर। क्वेश्चन नेक्स्ट, इथाइल बेंजोएट रिएक्ट विद PCl5 क्या देता है। सबसे पहले इथाइल बेंजोएट का लिखना फॉर्मूला आना चाहिए, एस्टर है तो साहब ये तो बेंजोएट, इसके क्या लगाओ आप इथाइल, ये C2H5। अब रिएक्शन कराओ PCl5 की, तो ये देता है आपको बता देता हूँ Cl, और ये Cl अटैक करता है इस O पे, और एक जगह जुड़ेगा ये, तो एक तो बनता है आपके पास में, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, वैसे आपको बता देता हूँ, एक तो बेंजाइल क्लोराइड, एक बनेगा आपके पास में बेंजोइल क्लोराइड, एक बनेगा इथाइल क्लोराइड, और ये किसमें बदल जाता है, POCl3 में, दो Cl बाहर निकलते हैं NS, एक तो इथाइल क्लोराइड, एक बेंजोइल क्लोराइड और एक POCl3। ये लो सेकंड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 38 आओ, 38 पर बढ़िया क्वेश्चन, ये भी इसी का लिखा है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट सी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ वन ब्यूटाइन। देखो ये वन ब्यूटाइन लिखी हुई है, ये CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH1 ब्यूटाइन, उस पर रिएक्शन करानी है आपको, पहले तो HCl की, तो आपको अभी बता दिया था थोड़ी देर पहले H प्लस अटैक करेगा, कैटायन बनाना, ज्यादा वाला स्टेबल बनाना है इस वाले को, इसलिए पहले में ये यहां पर जुड़ जाएगा ऐसे। अब फिर रिएक्शन करानी है HI की, फिर वापस सोचो दोस्तों, फिर क्या अटैक करेगा H, उससे फिर वो दो बात, तो बैक बॉन्डिंग वाली फिर ध्यान रखना, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, तो पॉजिटिव चार्ज आप क्या करना है, इस हेलोजन पे लेके आना, जिससे क्या है बैक बॉन्डिंग से इसको स्टेबल बना दे, एच जोड़ देना आप यहाँ पर, ये तो हो गया CH3, अगले में आयोडीन को लाके आयोडाइड आयन यही जोड़ देना। ये लो साहब आयोडाइड आयन इसी जगह जोड़ देना, तो आपके पास में प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, CH3 को इधर रखना तो ये बन जाएगा सेकंड थर्ड।
थर्ड, द कंपाउंड फॉर्म बाय द हीटिंग ऑफ क्लोरोबेंजीन विद क्लोरल, बढ़िया क्वेश्चन है, इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड H2SO4, आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा, फर्स्ट चैप्टर में आता रहता है, इंपॉर्टेंट। एक तो किसकी रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन की क्लोरल से। तो देखो क्लोरल समझते हो, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड इज नोन एज क्लोरल, इसकी रिएक्शन कराएंगे क्लोरोबेंजीन से, और तो पैरा डायरेक्टिंग है, तो पैरा से एच निकालना, कंसेंट्रेट H2SO4 है इसलिए वाटर बाहर निकलेगा। देखो इधर कंसेंट्रेट H2SO4 थे, ये ओ और पैरा का एच, पैरा पोजिशन से, तो ये बनेगा आपके पास में CCl3 CH, और दोनों जगह जोड़ दो आप, ये फिनाइल और इसमें क्लोर लगा हुआ, इसको कहते हैं DDT, क्या कहते हैं इसको, DDT पेस्टिसाइड, ठीक। इस रिएक्शन को याद करो, DDT, मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सिल्वर एसिटेट। अब मिथाइल क्लोराइड क्या है, एल्काइल हैलाइड सिल्वर एसिटेट से रिएक्शन करानी है, एसएन रिएक्शन करेक्ट रिएक्शन बन गई, देखो लो जी, ये तो मिथाइल क्लोराइड, किससे रिएक्शन कराओ सिल्वर एसिटेट से, ये सब आपके पास में सिल्वर एसिटेट में न्यूक्लियोफाइल है, इसको हटा दो, जोड़ दो, देखो ये बना CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्या लग जाएगा CH3, क्या बोलेंगे मिथाइल एसिटेट, लीजिए साहब SN रिएक्शन का एग्जांपल। क्वेश्चन नेक्स्ट 41, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41 को देखो, 13 डाई ब्रोमो प्रोपेन, 1 और 3 पे क्या लगाना है आपको, 2 ब्रोमीन, 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन, इससे रिएक्शन करनी है आपको जिंक डस्ट के साथ, तो आपको पता है जिंक से जब रिएक्शन कराते हैं जिंक और मैग्नीशियम से, तो डी हेलोजिनेशन होता है, तो ZnBr2 तो बाहर, और तीनों जो लास्ट की कार्बन, एक वैलेंसी इसकी फ्री, एक वैलेंसी इसकी फ्री, जोड़ दो तो साइक्लोप्रोपेन बनेगी, क्या बनेगी साइक्लोप्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 42, बढ़िया क्वेश्चन लिखा है, देखो एक बार क्वेश्चन 42 आपके लिए अच्छा क्वेश्चन लिखा गया है, ध्यान से देखिए, समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 42 को, देखो एक एल्काइल हैलाइड है ए, जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला ये, मैं इसके चार लिख सकता हूँ वैसे, अंडरगो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, आप समझिए C4H9Br, इसमें से डी हाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब HBr बाहर निकला, ठीक है, विद किसके साथ, इथेनोलिक KOH, यानी इथेनोलिक पोटेशियम KOH के संग, और एक ब्रांच्ड एल्कीन दी, अब ब्रांच्ड जब HBr बाहर निकल जाएगा तो ये बनेगा C4H8, अब वो कहता है ब्रांच्ड एल्कीन है, तो ब्रांच्ड एल्कीन तो भाई यही हो सकती है बस इस मॉलिकुलर फॉर्मूला में, और पॉसिबल ही नहीं है, ये लो इसका मतलब है कि इसमें से ये दो हो सकते हैं आपके पास में, कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हो सकता है, देखो इधर एक तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हो सकता है, और एक टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो सकता है, और नहीं हो सकते, लिखने को तो मैं चार लिख सकता हूं, आपको बताऊं कौन कौन से लिख सकता हूं, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, 2 ब्रोमोब्यूटेन, और एक आइसोब्यूटाइल, और एक टीब्यूटाइल, लेकिन जब उसने कह दिया ना कि साहब ये ब्रांच्ड एल्कीन है, तो इसका मतलब ए या तो ये होगा या ये होगा, बस पहली लाइन ये, अब बढ़िया क्वेश्चन, देखो ये मैंने फिक्स कर दिया, अब क्या किया था, बी की रिएक्शन कराई एच बी आर से इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, ये है वो बी, इसकी परोक्साइड की प्रेजेंस में कराएंगे तो एंटी मार्कोनिक कॉम्पिटिशन होगा, यहाँ पे जुड़ेगा एच और यहाँ जुड़ेगा बी आर, समझ लो, ठीक है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बन गया, ठीक। अब आगे देखो सी बन गया साहब, ये सी ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम एंड ड्राईथर, ये हो गई साहब वुड्स रिएक्शन, बढ़िया क्वेश्चन, इससे भी अच्छा क्वेश्चन एक और, क्या बन गई साहब वुड्स रिएक्शन इसकी, ए अब मैं दिखाता हूं आपको सी, ये बन गया था CH3 CH, HBr के जब आपने एंटी मार्कोनिक कोएडिशन कराया परोक्साइड में, तो ये बना, अब इसकी करानी है वुड्स रिएक्शन Na और ईथर की प्रेजेंस में, तो आपको पता है दोस्तों दो पार्टिसिपेट करेंगे, मैं लिख देता हूं आप समझना इसको, जल्दीबाजी मत करना, ऐसे फ्री रेडिकल बना या आयनिक मैकेनिज्म हुई, और डबल कर देते हैं हम, तो देखो आप ये बना आपके पास में कंपाउंड कौन सा, डी, ये बन गया आपके पास में डी वुड्स रिएक्शन के बाद, अगला इंपॉर्टेंट लाइन, डी ऑन ट्रीटमेंट विद Cr2O3 एंड एल्यूमिनार हीट कर दो, और ई बनता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अब आपको ध्यान रखना है कि जब किसी एल्केन में 6 और मोर कार्बन एटम हो, जनरली 9 तक हो, तो और इन तीन कैटलिस्ट में बताया था ना, एल्यूमिना तो होता है बेस, एल्यूमिना तो क्या है उसके अंदर बेस, और क्रोमियम ऑक्साइड मोलिब्डेनम या वेनेडियम पेंटोक्साइड 500-600 डिग्री सेंटीग्रेड और 10-12 एटीएम प्रेशर हो, तो उस समय एरोमेटाइजेशन होता है, तो एरोमेटाइजेशन की कर दी इन्होंने कंडीशन, देखो इधर Al2O3 डाल दिया, एरोमेटाइजेशन में 6 जो कार्बन है जो चेन में होते हैं वो आपस में जुड़ के बेंजीन बनाते हैं, और ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो इसको जब मैं बनाऊंगा, अरे देखो इधर, अब आप यहीं पर क्वेश्चन है ये, तो 6 कार्बन को आप सब जोड़ दीजिए और बाकी हाइड्रोजन बाहर निकाल दिए, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव, अब आप नंबर डालो कहीं से भी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अब आप जोड़ेंगे तो मैं कहीं भी नंबर डाल देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, बाकी हाइड्रोजन निकल गई बाहर, अब देखो एक तो 2 पे लगा हुआ है मिथाइल, ए मैं लगा देता हूं, लो
एक तो दो पे लगा हुआ है, आगे और चलो एक किस पे लगा हुआ है, पांच पे, ये रहा ये पांच पे। तो साहब कंपाउंड बना आपके पास में ये, और जब आपको पता है कि दो CH3 लगे हों बेंजीन रिंग पर, तो वो जाइलीन होती है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजिशन दे आर टू थ्री टाइप्स, नेमली ऑर्थो जाइलीन पास पास 1 2, मेटा जाइलीन 1 3, एंड पैरा जाइलीन। तो क्या कंपाउंड बना यहाँ पर, पैरा जाइलीन। क्या बना, पैरा जाइलीन। ठीक है, तो ए तो क्या बना आपके, ए में तो आपको बता दें इन दोनों में ले लेना, और ई क्या बनेगा, पैरा जाइलीन। ये लो ये आंसर, बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए सेट किया। हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन इंसुलिन, तो इंसुलिन में आपके एनसीईआरटी की बुक में पढ़ लेना, 51 अमीनो एसिड होते हैं। द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये बायो मॉलिक्यूल से 3 क्वेश्चन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिड फॉर्मेशन हेमी एसिटाइल। तो ग्लूकोज में नंबर 1 पर तो एल्डिहाइड होता है, 5 पे जो OH वो पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे 6 मेंबर्ड रिंग बनती है, हेमी एसिटाइल रिंग। ठीक है, विच विटामिन्स आर नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी। अब आपको पता है कि जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो बॉडी में स्टोर नहीं होती, एंड आंसर बी, पर्टिकुलरली बी एंड सी, क्योंकि ये दोनों विटामिन्स कैसी हैं, वाटर सोल्यूबल। एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चन लिए गए, इनको करो। ठीक है, ये की एक बार और देख, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बंद करता हूँ, ओके बाय।